हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए चलते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते। तो सुबह का काम हो गया है, जैसे कि खाना वगैरह बनाना और कमरे की साफ़ सफाई भी कर लिया और किचन में जो भी बर्तन वगैरह था वो भी धुल गया है। कमरे का पूरा काम हो गया है, बस मैं सीढ़ी में पोछा लगा रही हूँ। तो यहीं से मैंने वीडियो स्टार्ट कर लिया है। और सुबह से अगर करती ना वीडियो स्टार्ट तो बाकी मुझे शाम का भी वीडियो जो होता है ना बहुत लंबा हो जाएगा, इसी वजह से मैं अभी इसे कर रही हूँ। और जैसे कि बाथरूम में ना थोड़ा सा मैंने हार्पिक डाल के रखा था थोड़ी देर के लिए, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही करके डाला है। अगर ज़्यादा कहीं ज़्यादा डालती तो निशान पड़ जाता है, इसी वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा हर जगह पे जहाँ पानी से पानी रहता है ना उसी जगह मतलब ज़्यादा करके डाल दिया था थोड़ा थोड़ा करके। तो जो ब्रश से मैं बाथरूम साफ़ करती हूँ ना तो उसी को मैं उससे अच्छे से रगड़ लूँगी, और जैसे पानी अभी थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से रगड़ के फिर मैं अच्छे से पानी डाल के मैं धो दूँगी। और ये बाइड वाला टाइल है ना तो हमेशा गंदा हो ही जाता है, तो मैं जैसे कि नहाते टाइम कभी बिना हार्पिक से ही ऐसे ही रगड़ देती हूँ, तो अब ज़्यादा गंदा हो जाता है तो थोड़ा बहुत हार्पिक डाल के मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो हमेशा पानी वगैरह रहता है ना तो इसी वजह से थोड़ा सा गंदा रह ही जाता है। उसके बाद ना इधर हाथ नहीं जा रहा था और बहुत छोटा है इस जगह, तो मैं पैर से ऐसे जैसे पैर डाल के ब्रश से मैं अच्छे से घिस लूँगी, तो दोनों साइड ऐसे करके ही मैं अच्छे से रगड़ लूँगी। तो पानी वगैरह रहता है इसी वजह से ना पानी का दाग रह जाता है। और हफ्ते में एक बार तो हार्पिक से ही साफ करती हूँ और बाकी मैं ऐसी नहाते टाइम ब्रश से एक बार खाली ब्रश से ना डाल के पानी डाल के धो देती हूँ तो साफ हो जाता है। उसके बाद बाथरूम अच्छे से साफ़ सुथरा करके फिर कपड़ा वगैरह मैंने धो लिया है। उसके बाद नहा धो के मैंने पूजा वगैरह कर लिया है, तो कपड़ा भी अच्छे से कपड़े में से भी पानी निकल गया है, तो मैं अब कपड़ा वगैरह डाल देती हूँ। और बाहर ना बहुत गर्मी भी है और कल करवा चौथ है, इसी वजह से जैसे कि थोड़ा बहुत साफ़ सफाई भी कर दिया है कमरे में भी। तो इसके बाद मुझे मेहंदी भी लगाना जाना है और सामान भी ख़रीदना है। तो जैसे कि बंगालियों में बोलते हैं ना कि बंगालियों में होता नहीं है करवा चौथ का पूजा, तो फिर भी मैं यहाँ पे रहती हूँ ना तो मेरे आसपास के लोग भी करते हैं, तो सब बोलते हैं कि करते क्यों नहीं है, तो वही सुन के मैंने भी करने लगी हूँ। तो ये चार से पाँच साल हो गया मैं करवा चौथ का मतलब पूजा करती हूँ। तो हमारा घर का सब काम वगैरह हो गया है, तो अभी कपड़ा वगैरह फैला के फिर मैं जाऊँगी मेहंदी लगाने के लिए। तो नीचे एक भाभी है वो लगा देगी मेहंदी, तो एक बार काम वगैरह हो जाएगा। और खाना वगैरह मैंने बना लिया था, और जैसे कि काम करके फिर मेहंदी वगैरह लगा के आराम से हम टेंशन फ्री होके काम कर सकते हैं। तो फिर मेहंदी वगैरह ना मैं दिन को लगा नहीं पाई थी, कुछ और काम आ गया था, तो मैं शाम को लगाऊंगी खाना वगैरह बना के शाम का। तो मैं बाज़ार चली गई थी हस्बैंड के साथ, तो सामान वगैरह लेके आए थे जैसे कि बेसन और तेल आलू वगैरह सब, जो जो एक दिन दो तीन दिन से मतलब सब्ज़ी वगैरह ला ही नहीं रहे थे तो इकट्ठा आज लेके आए हैं। तो ये पालक ले आए हैं और पालक ना इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, तो जिस जैसे कि कभी कभार जैसे नया सब्ज़ी वगैरह अभी उठ आया है ना मार्केट में तो वो लेके आते हैं और थोड़ा थोड़ा ही लेके आते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये बैंगन की भुजिया बनाऊँगी और मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी अभी। तो ये भिंडी वगैरह अच्छे से मतलब रख देते हैं, और जो अभी नहीं बनाऊँगी वो सब्ज़ी अभी रख के अलग रख के और इसको अच्छे से ढक के रखूँगी, मतलब पन्नी में बांध के ही रखूँगी, नहीं तो ये खुला छोड़ूंगी, नहीं तो पंखे के हवा से सूख जाएगा, तो इसी वजह से मैं पन्नी में ही रखूँगी। तो कुछ इस तरह से मतलब कुछ इतना सारा आज सामान आया है आज। तो मैंने इधर चावल वगैरह बना लिया है, चावल बन गया, आलू उबाल के रख दिया
और बैंगन फ्राई कर रही हूँ, और पनीर भी मैंने फ्राई कर लिया है हल्का सा। तो इधर मैंने आलू मटर और पनीर की सब्ज़ी बनाया कुछ इस तरह से। तो चावल वगैरह अभी निकाल के खाने के लिए तैयारी कर लेते, तो फटाफट से हमारा खाना वगैरह हो जाएगा। तो बर्तन वगैरह धो के फिर मैं आ गई थी मेहंदी लगाने के लिए, तो इसलिए मैं रात को मेहंदी लगा रही हूँ क्योंकि दिन में काम हो जाता है कुछ ना कुछ, इसी वजह से मैं जल्दी से खाना वगैरह बना के फिर मैं शाम को, मतलब रात हो गया था 8-9 बजे गया था। तो फिर अगले दिन मैं दोपहर को आ गई थी सामान वगैरह ख़रीदने के लिए। तो मैं खूब कम ही सामान से मतलब पूजा करती हूँ, ज़्यादा प्रॉपर सामान नहीं ख़रीदती हूँ। तो हल्का फुल्का सामान वगैरह ख़रीद के फिर मैं तैयारी कर लिया था। तो ये शाम को मैं पूजा कर रही हूँ। हे माता, जैसे तुमने इरावती की पति की रक्षा की, वैसे हम सबके पतियों की रक्षा करना। तो यही प्रार्थना है आपसे। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। तो आप लोगों का पूजा कैसा रहा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।